बाबा हाँ जी मुरली को बोला है कि प्रजा पिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं, बाप आते हैं 60 वर्ष के बाद, तो 40 वर्ष के बाप व्यर्थ समझाते हैं। इसका जर्थ ये है कि 1976 से लेकर 2016 तक बाप रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे नहीं जाएंगे। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो बच्चा कौन है? बच्चा है कृष्ण और बाप है राम बाप। तो जब बच्चा प्रत्यक्ष होगा तो बाप का काम खत्म। बच्चे को संपन्न बनाया कौन सा बच्चा, सचिवी कृष्ण है या संगम जी कृष्ण? संगम जी कृष्ण की जब संपन्नता होगी, इसमें जो नाम पड़ा है वो शरीर के ऊपर नाम पड़ा है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ा है? काहे के ऊपर नाम पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो संगम युग में 2 नाम है, क्या कृष्ण के 2 नाम है। आखिरी जन्म में वो ब्रह्मा कहा जाता है कृष्णा, आखिरी जन्म में क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और फर्स्ट जन्म में क्या कहा जाता है? कृष्ण। लेकिन कौन सा कृष्ण? सत्युग का कृष्ण कहा जाता है। और संगम युग में जिसके साथ कंसी जरासंधि शिशुपाल आदि दिखाई है वो कौन सा कृष्ण है? जिसका शरीर है, जिस शरीर के द्वारा कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर सत्युग में जाकर के जन्म लेने योग्य बन जाती है। तो राम वाली आत्मा के द्वारा ही वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है। पहले संगम युग में प्रत्यक्ष हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुभव करे उस शरीर के द्वारा। तो बच्चे के द्वारा जब बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप का कोई काम रहता ही नहीं। राजा कृष्ण का जन्म हो जाएगा, वही तो बता रहे अभी। में संगम युग में राजा कृष्ण का जन्म होगा, जो सत्युग का राधा कृष्ण है उसका शास्त्रों में गायन है, यह संगम युगी राधा कृष्ण का शास्त्रों में गायन है। सत्युग के कृष्ण का तो कोई गायन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो नारायण भी है वो कृष्ण भी है, वो कौन सा कृष्ण है? शास्त्र में जो भी बातें आई है वो संगम युग की यादगार है। तो सत्युग में तो कृष्ण के साथ कंस नहीं होगा, कंसी जरासंधि होंगे ही नहीं। इस शास्त्रों में जो भी बातें आई है वो संगम युग की बातें हैं। अभी कृष्ण के साथ कंसी और जरासंधि भी अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा जो भी राजा कृष्ण का राज सबके शुरू होता है। सत्युग में जो बच्चा पैदा होते हैं वो शैशव अवस्था के रहते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल या पैदा होते ही बड़े होने लगते हैं। है? जैसे गाय का बच्चा है, गाय सत्वप्रधान प्राणी माना जाता है, उसका बच्चा 1 साल 2 साल पालने में पड़ा रहता है, गंध करता रहता है, उसके माँ बाप को उठानी पड़ती है या तुरंत ही दौड़ने लगता है? मिसाल है ना, वो तो जानवर है। यहाँ तो मनुष्यों की बात है। मनुष्य जब सत्वप्रधान बनते हैं तो उनका शैशवावस्था भी नहीं होती और उनका बुढ़ापा भी नहीं होता। हाँ, पैदा हुए और तुरंत ही बड़े हुए और अपना कार्य करने लगे। यहाँ प्रकृति उनकी मुहैया सारा कार्य करने वाली है। मुरली ने बोला है कि प्रजा पिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे बाप है गरीब निवास, बाप है गरीब निवास, बाप कहते हैं मुझे भुक्ति ही रहने दो, इसमें ही मजा है। रहने में ये मजा है
कि बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा पहले तो माला तैयार नहीं होगी। माला तैयार होने के लिए अंत तक बाप को गुप्त रहना है। जब माला तैयार हो जाए तो बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। संत को फादर कहा जाता है, फादर को संत कहा जाता है, तो सरसचिवान कौन है पहले? तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो अगर खुद पहले प्रत्यक्ष हो जाए तो बच्चों को प्रत्यक्ष होने की संभावना रहेगी। इसलिए बाप अपने को गुप्त रखता है और बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चे प्रत्यक्ष होकर की दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। शरीर छोड़ना माना बेबाल छोड़ना। जब सत्युग में साथ साथ जन्म होगा तो अच्छे की भी शूटिंग यहाँ होती है और बुरे की भी शूटिंग यहाँ होती है। जो भी सचिव में बनने वाले पेयर हैं, जोड़े हैं, वो यहाँ आपसी सहयोग के आधार पर संपन्न बनेंगे या बिना सहयोग के संपन्न बन जाएंगे। 21 जन्म का जो साथी होगा वो बुद्धियोग से साथी अगर न बने तो संपन्नता आ नहीं सकेगी। सभी युवा होंगे, उनकी भी बुद्धि अभी कहीं ना कहीं लटक रही है। सिंगल कोई होता ही नहीं देवी देवता सनातन धर्म वालों में। तो तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम प्रवृत्ति मार्ग के बगैर रह नहीं सकते। जो राजाएं थे, भारत के राजाएं था, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? तो उनकी तो जन्म जन्मांतर की वो रग पड़ी हुई है प्रवृत्ति में रहने की। हाँ, संपन्न प्रवृत्ति नहीं है जो आज से अंत तक एक रस चलती रहे 21 जन्म तक। या तो उस प्रवृत्ति को ढूंढ नहीं पाया है, या तो अपने को ही नहीं पहचाना है। अपने को पहचाने तो अपनी प्रवृत्ति को भी पहचान। बाबा, बाप ने बोला है चार विकारों को माफ किया जा सकता है। चार विकारों को माफ किया जा सकता है। जो महाहंकारी होगा उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसमें से पवित्र क्या बोलते हैं, काम विकार ज्यादा बड़ा है महाकामी महाहंकारी। अहंकार का मतलब है कि वो अपने को ही सब कुछ मानता है और किसी को कुछ भी नहीं मानता। तो भगवान को भी नहीं मानेगा। तो जो भगवान को ही नहीं मानेगा तो उसको भगवान का भरसा क्यों मिलना चाहिए? इसलिए अहंकारी को कुछ प्राप्त नहीं होता। बल कामी कितना भी हो भगवान माफ करेगा। कितना भी क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, भगवान माफ करेगा। परंतु भगवान के सामने अगर कोई अहंकार दिखाए कि कोई भगवान भगवान नहीं है, जैसे कंस कहता था, रावण कहता था, तो उसको कोई माफी मिलने वाली नहीं। जो ज्ञान सूर्य प्रकाश तो अज्ञान अंधेर विनाश तो सतयुग में क्या सूर्यास्त नहीं होता? सतयुग में चंद्रमा होगा, कम कलाओं वाला और ज्यादा कलाओं वाला चंद्रमा ही नहीं होगा तो वहाँ रात भी नहीं होगी। और कोई न कोई मिसाल इस दुनिया में मौजूद होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये मिसाल देखी जा सकती है कि 6 महीने वहाँ दिन रहता। तो अगर 6 महीने दिन रह सकता है
तो आधा कल्प दिन नहीं रह सकता, रह सकता है? भगवान मुरली ने बोला है कि प्रकृति मार्ग वालों को मालूम है कि भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ जरूर आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों को मालूम है कि भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं और जो भक्ति मार्ग वाले हैं भगवान को, तो वो भी जानते हैं, तो अंतर क्या पड़े? जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हजारों वर्ष के बाद फिर भगवान आ जाएंगे जब कलयुग का अंत होगा। क्या अभी तो कलयुग का आदि चरण है, अभी तो 5000 वर्ष ही हुए द्वापर युग खत्म हुए। 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था कलयुग द्वापर के अंत में, तो वो तो बहुत लंबा कर देते हैं। अब गृहस्थी में पड़े हुए हैं गृहस्थी, वो बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। मेहनत भी सारी करना, अपनी मेहनत भी करते हैं और सन्यासियों के लिए भी मेहनत करते हैं। ये तीन लोगों का जो चित्र बताया है, तो इसके अंदर तो ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, उसके नीचे तीन बिंदी है, उसके नीचे दो बिंदी है, ये क्या करती है? ये आत्मा की स्थिति दिखाई है कि कौन सी आत्मा है, किस स्टेज वाली है, कौन सी कितनी ऊंची स्टेज वाली है, कौन आत्मा है कितनी नीची स्टेज वाली है। ऊपर एक दिखाई, उसके तीन जो एक बिंदी दिखाई है वो एक ही एक है, जिस एक को याद करना है, उसके बाद है फिर तीन बिंदिया। तो वो सेवा, वो तो ज्योति बिंदु है, वो किसी के द्वारा तो प्रत्यक्ष होगा। और तीन बच्चे हैं तीन कैटेगरी के, ऊंचे से ऊंची कैटेगरी है शंकर, निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक, फिर मध्यम स्टेज है विष्णु, न ज्यादा निराकारी न ज्यादा साकारी, और फिर नीची स्टेज है ब्रह्म। निराकारी स्टेज तो बनती ही नहीं, तो डायरेक्ट बाप से उनका पढ़ना होता ही नहीं। और तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ने वाले हो, तो जरूर निराकारी स्टेज भी बनती होगी। निराकारी स्टेज अर्थात आत्मा रूपी सुई की बेसिकली तुम्हारी कट उतरती है, तब तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। कोई तो बेसिक नॉलेज में आज तक पड़े हुए हैं, कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, उनकी बुद्धि में बिंदी आती ही नहीं। जब आता है याद तो भगवान के नाम से कौन याद आता है, ब्रह्मा का साकार चोला याद आ जाता है। तो रचना भी तीन कैटेगरी की हो जाती है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय, और तीसरा ब्रह्म समाधि। फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? ये जो 9,16,108 से सतयुग स्टार्ट होने वाला है? नहीं, 9,16,108 जो है वो सतयुग के पहले जन्म की संपन्न टोटल, सतयुग का पहले जन्म का जब आहुति होगी पूर्ण, उस समय ये आबादी होगी। तो इसमें जो जो पैदा जो बच्चे पैदा होंगे, जो 4.5 इस सीरीज से जाएंगे सतयुग में, तो वो जो 4.5 बच्चे पैदा होंगे, 4.5 लाख जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें ये जो भेदारी आत्माएं हैं, ये पैदा करने वालों में की लिस्ट में होंगे, लेकिन उनके ऊपर दूसरे धर्म का छिलका होगा।
जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्म का नीचे से नीचे धर्मों का छिलका होगा, वो पहले जन्म में भी नीची स्टेज में आवेंगे, शुरुआत में नहीं आवेंगे। शुरुआत में कौन आवेंगे? जिनके ऊपर किसी भी धर्म का कोई कोई छिलका नहीं चढ़ा, सिर्फ अंतिम जन्म में आकर के माया उनको थोड़ा प्रभावित करती है। कहा हमारा पैसा कब छोड़े? जब हम विपरीत कर्म का पीछा छोड़, हम अपने से पूछे कि जो श्रीमत के विपरीत कर्म है उनसे हमने पीछा छोड़ाया है? अरे कोई ने पेड़ को पकड़ लिया और चिल्ला रहा है, अरे हमको पेड़ ने पकड़ लिया, छोड़ाओ, ये हमको कब छुड़ा देगा? ये ठीक है क्या? बाबा एक ये है, बाबा दिल्ली में आता है कि आत्मा के अंदर चौथी जन्मों का पार नुंदा हुआ है, जो चौथी जन्म लेने वाले होंगे चौथी जन्म नुंदा, जो काम लेने वाले होंगे काम नुंदा हुआ। बिल्कुल। तो ये जो विकारी संस्कार हमारे बनते हैं कलयुग द्वापर में, जब सतयुग स्टार्ट होगा तो वो कौन हो जाते होंगे, खत्म थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि नुंदा हुआ है। नुंदा हुआ है, मर्द हो जाता है, मर्द हो जाता है, 2500 तक वो मर्द रहेंगे। 2500 वर्ष के बाद जैसे ही उनको उकसाने वाला कोई आएगा, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं उकसाने वाले, और हम सबसे पहले उपस्थित के आगे आ जाते हैं। हाँ जी, ऊपर नहीं आ सकते परमात्मा द्वारा। हाँ जी, और बाबा मुरली ने बोला है कि फरकावाद में भारत को बहुत मानते हैं, है? यूपी को साकार और निराकार की डबल लॉटरी मिली है, साकार में भी मिला हुआ है और निराकार, और निराकार बाप तो साकार में है ही, इसका क्या अर्थ? अरे अर्थ तो आपने खुद ही बता दिया कि यूपी वालों को चाहे ले या न ले वो दूसरी बात है, लेकिन मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? साकार भी मिला हुआ है, साकार ने भी यूपी में जन्म लिया है, और जो बेहद का जन्म है, बेहद का जन्म वो भक्ति मार्ग में कहाँ माना जाता है, वो भी यादगार यूपी में बनी हुई है, या तो वाराणसी यादगार बनी हुई है, शंकर का स्थान माना जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान काशी विश्वनाथ गंगे, या तो अयोध्या मानी जाती है राम जन्मभूमि, या तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मानी जाती है। तो तीनों ही रूपों में भगवान का जन्म रूपी प्रत्यक्षता कहाँ मानी जाती है? यूपी में मानी जाती है। इसलिए महाभारी महाभारत युद्ध भी जो होना है, नहीं यूपी में नहीं है है तो नजदीक, नहीं दिल्ली में भी नहीं है। महाभारी महाभारत युद्ध दिखाया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कुरुक्षेत्र का मैदान है हरियाणा के नजदीक, माना यूपी का बॉर्डर है। अपने अपने अंदर तो होगा, लेकिन यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या बड़ा महाभारत कहाँ होगा? उस महाभारत में ज्यादा खेल दिखाने वाले होंगे यूपी के, क्योंकि जो जहाँ का होता है, जैसे नेहरू जी इलाहाबाद के थे, उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, तो वो जीतते रहे, वो किस स्थान से जीतते रहे? इलाहाबाद से ही, हमेशा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते, तो इलाहाबाद वालों ने ही उनको क्यों ज्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि वहां की पैदाइश थे, वहां के लोगों का इस बात का फख्र था कि ये हमारे देश के हैं। ऐसे ही यूपी वालों को जब पता चलेगा कि भगवान का साकार रूप कहाँ होता है, तो उनको नशा चल जाएगा। इसलिए बोला है अध्यक्षवाणी ने, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, अभी दिखाया नहीं है,
छुटपुट कहीं दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं अभी भी दिखा रहे हैं है अभी भी दिखा रहे हैं हाँ जी हाँ जी और जब उसमें ये दिखाता है कि आत्मा में पहले ही उसके पार्ट लिखे होते हैं कि इसमें लाइफ में क्या क्या करना है फिर जब उससे कोई गलत काम हो जाता है तो आत्मा खुद को दोष दिया जाता है दोष देने की जरूरत नहीं बनी बनाई बन रही है अब कुछ बननी ना आत्मा में 63 जन्मों का सारा 63 जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है जैसा 63 जन्मों में जहाँ जहाँ जैसा पार्ट बजाया है वो अभी संगम युग में सिर्फ रिपीट हो रहा है शूट हो रहा है रिहर्सल हो रही दोष क्यों देना तो अज्ञान तो है लेकिन प्रशांत तो भाव है ना हम ड्रामा को आगे थोड़ा रख सकते हैं ड्रामा तो पीछे है पुरुषार्थ करने वाली बात इसलिए है कि हमको पता नहीं है कि हमने क्या पार्ट बजाए जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों ना पॉजिटिव बजाएं नेगेटिव क्यों उठाएं खाने के लिए तो कभी नहीं पहुंचते कहते कि खाना होगा तो खा लेंगे कोई भी मकान होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता है ना फलाना आश्रम है फलाना बिल्डिंग है वो अपने आप पहुंच जाते हैं उसी रीति जो एक दो मंजिल के एनएस हो रहा उसमें हम जो एक दो मंजिल की एनएस जो है एक दो मंजिल का हाँ जी घर जो मकान हो गया एनएस का जो एनएस नया दुनिया है जहाँ बहने रहते हैं नया संगठन हाँ जी वो तो ब्राह्मण दुनिया से तो गुप्त है जब ब्राह्मणों की दुनिया में ही गुप्त है तो बाहर की दुनिया वाले तो गुप्त हो गए बाहर की दुनिया वालों के लिए तो पहले ही बोल दिया 2000 के आसपास ही अद्वैतवादियों में बोल दिया बाप बच्चों की नजरों में प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो गए कोई भी आश्रम अपने आप इनकम टैक्स वाले पुलिस आते होंगे कोई आते भी नहीं उनको पता भी नहीं होगा ना कुछ लोग रहते हैं इतना लोग है आवेंगे भी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ये कौन है वहाँ की जो है माँ उनकी लेटर से आते तो उस रीति भी सभी बच्चों से कनेक्शन होता था अभी जो बच्चे नए नए निकले लेटर दूसरों के हाथ से भी आ जाते तो माँ से कनेक्शन कैसे हो जाते जो निकलते बाबा के फैन नहीं होते हैं क्या जो कनेक्शन बुद्धि का जोड़ना है वो माँ से और बच्चों से और भाइयों से जोड़ना है या बाबा से जोड़ना है तो जो भी लेटर्स आते हैं उनमें बाबा का निशान नहीं होता है काम करने के लिए बाबा किसी को भी निमित्त बनाए बाबा जैसे बोला है ब्राह्मण को क्रांति जानवर की कहानी का पूरा पता होना चाहिए तो ये पता खरी रिजर्वेशन के बाद होगा या पहले ही होगा रामकृष्ण वाली आत्माओं को पहले होगा या पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको तो हो रहा है जब उनको हो रहा है तो दूसरों का नंबर नहीं ले सकता है दूसरे भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा मेहनत तो करेंगे ही नंबर बाहर पुरुषार्थ पुरुषार्थ हाँ जी ड्रामा करवाएगा और एक बार जी ने सुना था कि जो बच्चे बाप से प्रश्न करते हैं वो संपूर्ण नहीं कहलाएंगे जो बच्चे बाप से प्रश्न करेंगे प्रश्न भी दो तरह के होते हैं वो संपूर्ण एक होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए क्या सर फील्ड में जाते हैं हम बहुत सी बातों का सही समाधान नहीं दे पाते हैं अंदर अंदर दिल में खाता है कि हमने शायद ये बात का जवाब ठीक नहीं दिया तो उस बात को पूछा जाता है तो बाबा मना करते हैं क्या बाबा तो मना नहीं करते बाबा तो कहते हैं कि अंदर जो बात है वो बाहर निकालो ये अंदर अंदर खाती रहेगी तो उस आधार पर जो पूछते हैं वो तो ठीक
लेकिन जो विरोध करने के लिए पूछते हैं कि हम डाउन कर दें, वो गलत है। उसको दिखाया है शास्त्रों में कि देवताओं ने पूछ पकड़ी, मना फालू किया, और असुरों ने मुंह पर। आपने इस मुरली में ऐसे कहा था, आपने इस अभ्य कवानी में ऐसे कहा था। तो जो मुंह पकड़ते हैं वो है असुर, और जो मुंह पकड़ने वाली मादा जिनके अंदर नहीं है लेकिन फॉलो करने वाले हैं, जो कहो तो फॉलो करना है, वो देवता ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो प्रश्न पूछने के लिए मना कहाँ है? प्रश्न पूछने वालों का क्लास में थोड़ा नंबर है या ज्यादा नंबर है? जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाती है या ज्यादा होती जाती है? कम होती जा रही है। कोई कोई भाई तो ऐसे हैं कि हाथ में कागज भी नहीं रखते हैं और दो दो तीन तीन घंटे लगातार प्रश्नों की बौखार लगी रहती है। इससे क्या साबित होता है? कोई उनमें भूत आत्मा प्रवेश कर गई। सामान्य स्थिति वो इतना ज्यादा बोलने वाले भी नहीं है। जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो बिना किसी कागज पत्र के प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न जड़ी लगा देती है। तो जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो ज्यादा पाप कर्म करने वाली होती है या कम पाप करने वाली होती है? ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं जो प्रवेश करती हैं उनकी बात समझ में पूरी आती नहीं है, पूरा कोर्स करते नहीं है चीज से, और वो प्रवेश होकर के धमचक्कर मचाते हैं, वो असुर है। घर में बच्चों ने क्वेश्चन किया, जो गोबर नहीं होता, गोबर के कोई माता है ना पोपले बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बनाते हैं तो वो भगवान का नाम जाप करते हैं, तो किसी ने उसके पोपले उठा लिए, तो वो कैसे पड़ोसन को बोलती है तूने मेरे पोपले उठाए हैं तो मेरे को बताओ मैं अपने पोपले लेने आई तेरे घर से। वो कैसे पहचानती है? वो पोपलों को अपने कान पे बुलाती है और पहचान पहचान में अपनी जगह रखती है, यानी कि उसको भगवान का जो जाप किया उसने सुनाई देता है। ये हद में ऐसी क्या बात है जो ये क्या कह रहे कहने का मतलब है कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको उन्होंने गोवर्धन होते हैं उपले उपले होते हैं कोई बुढ़िया उठा के उसके ले जाती है, तो दूसरी जो होती है वो जाती है कहती है कि उसने जो भी बनाए होते हैं भगवान के नाम लेकर के बनाए होते हैं, वो पहचान जाती है। तो वो कहते हैं कि वो कैसे पहचान जाती है? पहचान जो क्या, जब हाथ से थापा जाएगा तो हाथ के निशान नहीं आ जाएंगे? कोई का हाथ छोटा होता है, कोई का हाथ बड़ा होता है, कोई की उंगली छोटी होती है, कोई का ऊंचा मोटा होता है। बोला भगवान का नाम कैसे आया उसमें से नाम कैसे आ गया? कोई कागज पत्र लिखा जाता तो पहले और आज भी ऐसा होता है अंगूठा लगाते हैं, नाम लिखना जानते नहीं, वो कैसे पहचान जाए पहचाने जाते हैं? अंगूठे की निशानी आ जाती है ना। बच्चों ने कहानी कहीं सुनी होगी पढ़ी होगी ना, वो मेरे से क्वेश्चन करने लगे। अच्छा हाँ, बड़े बड़े मंदिर हैं पुराने पुराने, उनमें गरारी के ऊपर वो माला रखी रहती है 16,000 की, चार चार आठ आठ लोग इकट्ठा पकड़ करके गरारी में माला को खींचते हैं। ऐसे यहाँ ज्ञान में भी आगे आगे चल करके होगा कि अभी तो एक एक को बैठ करके समझाता रहा, लेकिन एक से नहीं उठेंगे, वो देहाभिमानी सांडे हैं, तो चार चार आठ आठ मिल करके जाएंगे तो उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। गिलहरी ने कैसे किया वो राम की, जब उसने भी सेवा की ना, और गणेश ने कैसे सेवा की?
गणेश कोई सूंड वाला था है? कोई सूंड वाला जानवर ऐसा था? बढ़ा दिया नहीं, एक मिसाल बताई है गणेश की कि ऐसे भी देवताएं होते हैं जिनमें देह अभिमान का कुछ ज्यादा होता है, फिर भी सेवा करते हैं, इसलिए सेवा का उनको मेवा मिल जाता है। कुछ पवित्रता को धारण किया है तो उनकी पूजा चलती चली आ रही है। ऐसे ही कोई गिलहरी की बात नहीं है, वो भी एक प्राणी है, उस तरह का पुरुषार्थ करने वाले भी कोई है, दिखाते हैं शास्त्रों में कि जब राम ने पुल बांधा तो बंदर तो अपने बड़े बड़े पत्थर ले जा करके पुल में डाल रहे थे। गिलहरी ने सोचा मैं कैसे पत्थर उठाऊं, तो पत्थर तो उठा ही नहीं सकी, तो बार बार पानी में नहाने जाती थी, भीग करके आती थी और बालू में जाकर के अपनी लोटपोट होकर के बालू अपने बालों में उलझा लेती थी और जाकर के पुल पर डाल जाती थी। तो कुछ खास सहयोग तो नहीं हुआ, लेकिन भावना देखी जाती है। भावना देखी, जितनी शक्ति है उसने अपनी सारी शक्ति पुल बनाने में लगा दी। तो ऐसे यहाँ भी ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास न तन की शक्ति है, क्या कन्याएं माताएं हैं तो तन भोंडा है, बूढ़ा शरीर है, कोई पूछने वाला नहीं है, तन के हिसाब से कुछ सेवा भी नहीं कर सकते, न धन है उनके पास। मन जो है वो सारा गृहस्थी में खप गया, बच्चों की पैदाइश में, मन की पावर भी नहीं, बुद्धि की पावर भी नहीं। ऐसी माताओं को बाबा आगे रखता है और शाबाशी देता है। क्या किसके लिए आया हुआ हूँ? माताओं के लिए आया हुआ हूँ। अभी अभी मुरली बोला, कोई एक रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है। एक रुपये देने वाले के पास 10 रुपये थे और 10 रुपये में से उसने 1 रुपया दिया, और जिसने 100 रुपये दिए उसके पास कितने थे? 10 गुना थे, और उसने से 100 रुपया दिया, तो भी दोनों का बराबर भाग्य बनता है। ऐसे ही यहाँ दिल देखा जाता है, क्या ये नहीं देखा जाता किसने कितना दिया। कितना भी दिया, दिल से सतो प्रधानता पूर्वक दिया, ऐसा तो नहीं देते समय दिल के अंदर आया पता नहीं भगवान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेक दे दो। अगर नहीं भी भगवान का काम होगा तो हम कहेंगे हमने लोन दिया था इनको, देखो ये प्रूफ है हमारे पास। और बाबा जैसे कोई सोल किसी में प्रवेश करती है तो उसका मन बुद्धि पर कंट्रोल होता है, जो सोल प्रवेश करती है और जिसमें प्रवेश करती है क्या उसे पाप पुण्य लगता है? उसका पुरुषार्थ तो रुकता है, उसको विघ्न डालती है। जो सेवा वो कर सकती है उस सेवा को जिस तरह से बदल देती है, तो जाग तब हुआ ना। नाग नग तो बहुत मिल जाते हैं, हाँ पुखराज की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बहुत बहुत तादाद में मिल जाते हैं, चाहे जितने ले लो। नहीं वो सिर्फ है जो कीमती रत्न है उनके साथ रखा जाता है तो वैल्यू है, उनकी जो ज्यादा वैल्यू वाले हैं उनकी वैल्यू को नापने के लिए पोखरा रखा गया है, नहीं तो वैल्यू बन रही है। जो बच्चे उधर फरुखाबाद में भर्ती के लिए जाते हैं, हाँ जी, और उधर जाकर वो किसी वजह से जैसे कि दरवाजा बंद करने से घबरा जाते हैं और वो भर्ती नहीं करते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? दरवाजा बंद करने से घबरा जाते हैं, मैंने अपनी ही बात है जो पर्सनल बात, मैं गया था फरुखाबाद में भर्ती के लिए, हाँ? तो जैसे वो गेट बंद करते हैं ना, हाँ? तो मैं घबरा गया,
और फिर डॉक्टर के पास गया तो एकदम बीपी मेरा काफी हाई हो गया, फिर मेरे बच्चे वापस आ गए, बीच में ही वापस आ गए, पहले दिन वापस आ गए, फिर दोबारा गए, दोबारा अच्छा हुआ दोबारा चले गए, दोबारा गए ही नहीं, और फिर तो जब आपकी भट्टी नहीं तो आपको क्लास में ही नहीं आने तब तक हैं है? देखो वही बात हो गई, तो सोल का प्रभाव हुआ होगा तो वहाँ नहीं प्रवेश करने देती, नहीं तो वहाँ जाने वाले तो भयंकर गर्मी पड़ती है और उनको पंखे की भी दरकार नहीं है, फिर बड़े मस्त रहते हैं, हाँ तो कोई सोल ऐसी आ गई को उसको वो पसंद नहीं है, जब उसने प्राण छोड़ा होगा तो उसको बंद जगह में रखा गया होगा तो गुड़गुड़ के मर गया, तो उसे उस जगह में जाने मात्र से ही वो परेशानी पैदा हो जाती है, ऐसा प्रवेश नहीं हुआ लेकिन ऐसा प्रभाव उनके ऊपर है, वो क्रिएट है, हारिए ने हिम्मत विसारिए न राम, लेकिन फिर क्या हुआ पार कर गए, पार कर गए, हिम्मतें बच्चे मरे जब आप 80-80 साल की बुढ़िया अमरनाथ पे यात्रा करने चली जाती थी, पहले तो इतने साधन भी नहीं थे तो भी 80 साल की बुढ़िया यात्रा करके वापस आती थी खुशी खुशी, अब जहाँ जहाँ 50 आदमियों की जगह है और वहाँ 500 इकट्ठे होंगे तो सफोकेशन होगा नहीं, लेकिन अंदर की खुशी एक ऐसी चीज है अगर ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ गया तो खुशी इतनी बढ़ जाती है, बाप की याद इतनी बढ़ जाती है कि वो सफोकेशन अफोकेशन सोच महसूस नहीं होता, जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि जिनको श्वास की बीमारी थी दमा की बीमारी थी उनको ढोढा और रोटी खिलाया गया बाजरे की रोटी और छाछ ही दिया गया कई दिन तक और सब चंगे हो गए, तो ये कौन सी खास बात थी, उस समय नशा उनको इतना नशा चढ़ा हुआ था, ज्ञान को भी बल कहा जाता है, अच्छी तरह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तो सात्विक स्टेज बन जाती है, और सात्विक स्टेज में ये दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गर्मी है कि यहाँ सर्दी है, पंखा है या नहीं है, या बंद जगह है या खुली जगह है, लेकिन खुशी उनको पार ले जाती है, ये तो बात ठीक है, गर्मी वो चीज है, सर्दी वो चीज है, हवा वो चीज है, गर्मी के साथ आदमी जी सकता है, सर्दी से भी जी सकता है, लेकिन हवा के बिना नहीं जी सकता, अभी घोंघाट होगा विनाश के टाइम पे तब क्या करेंगे जीने वाले जी जाएंगे, बाबा जो पहले से ही यहाँ से समझा के ले जाओ ना, के मुरली में बोला है बाहर कदम भी ना रखे, किसी को फोन भी ना करे, बाहर की दुनिया में बुद्धि भी नहीं जानी चाहिए, ऐसा फाउंडेशन हो, हाँ जी माताएं तो जिंदगी भर अंदर रहने की अभ्यासी हैं, उनको क्यों प्रॉब्लम पैदा होगा, भाई लोग तो बाहर की दुनिया में घूमने फिरने वाले बात तो नहीं है, जम्मू वालों के हिसाब से कोई पूछ रहे थे परिवार जब संगठन जम्मू नहीं जा सकते तो पठानकोट वाले पठानकोट में संगठन कर सकते हैं ना, जब पठानकोट नहीं जा सकते तो जम्मू वाले जम्मू में संगठन कर सकते हैं, हाँ क्या हुआ, अरे कहीं भी संगठन में बैठना है, संगठन में बैठना मना, वाइब्रेशन मिलेगा, संगठन की पावर मिलेगी, तो
बहुत लोग बिजनेस करते, दुकान बंद करके जाने ही पड़ते, तो वहाँ की वहाँ ही करने में एक दो घंटे टाइम लगते हैं। अगर वहाँ से दूर जाएंगे तो लोगों को 5-6 घंटे हो जाते हैं। इसका अपनी त्याग तपस्या सबकी अलग अलग है, अपना अपना नशा अलग अलग है। कोई कोई तो इतना नशा कर जाता है कि अपना सब धंधा दोरी छोड़ करके 24 घंटे संगठन में ही घुस जाते हैं। वो कैसे घुस जाते हैं? नशा अपना 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 नशा अलग अलग है। और बाबा हाँ जी, सर्वशक्ति की लाइफ के सदा साथ रहेंगे तो माया पास नहीं आ सकती। तो घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर माया हमारे से पास कैसे आती है? आत्मा की स्थिति में नहीं रहते, आत्मा की स्थिति में रहे तो सब समस्याओं का समाधान है आत्मा की स्थिति। देवान में आते हैं तो छोटी समस्या बड़ी लगती है, आत्मा की स्थिति में रखे और वो अभ्यास पक्का हो जाए तो जैसे परमात्मा हमारा बाप हमारे साथ है, सब समस्याएं ढीली हो जाती है। वो भी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही है। कोई जरूरी नहीं कि जो भी आते हैं तो सब बेसिक से ही आते हैं। हाँ, कोई ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूर्व जन्म में बेसिक में जरूर रहे होंगे। तो ये तो राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा ही नहीं है, जिनका फाउंडेशन ही आधार बने लेने का है, आधीन बने हुए हैं शुरुआत में ही, फाउंडेशन में ही। फिर वो रास्ते के हिसाब से अरे आदमी कहाँ का कहाँ चला जाता है, बिलाय जाने वाला उसको रास्ते में कोई ले जाता है साथ में? बिलाय जाने वाले बिलाय चले जाते हैं, उनको उनको कोई रास्ता बताने के लिए जाता है क्या? माताएं नहीं जाती हैं, कन्याएं नहीं जाती हैं विदेश में? है सब आधीन बनाने वाली बातें हैं। इसलिए बाबा बताते हैं कि आधीन बनाने वाले हैं अनेक और स्वाधीन बनाने वाला है एक। अरे पार्टी में जो होशियार हो उनके हाथ में भाग दो, सौंप दो, पार्टी ले जाओ। क्लास में भी तो कोई ना कोई मॉनिटर बनाया जाता है ना। बाबा एडवांस में एक दो बार गया था, था, था जैसे कि मैं एक दो बार गया था एडवांस में, सीधे आगे तो गया बेसिक में एक दो बार गए और उसके बाद एडवांस में आ गए। हाँ, कोई कोई बच्चे बहुत शूर बुद्धि होते हैं, या कोई कोई का पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा होता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बेसिक नॉलेज पढ़ ली, थोड़ी सी रह गई तो यहाँ बेसिक में एक दो दिन चले गए और एडवांस में आ गए। हाँ, उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है सारा ही, पूर्व जन्म में बेसिक में रहे होंगे, बेसिक पढ़ाई पहले ही पढ़ ली है। अरे प्राइमरी में काका गागा ए बी सी डी पढ़ेंगे नहीं और बी ए में कैसे पढ़ने लगेंगे? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, भले घर में पढ़े माँ पढ़ाए, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी बेसिक। बाबा एक कन्या पूछ रहे कि सब कुछ ठीक है, मैंने अभी तो सुख सुविधा आ गया ना एडवांस पार्टी में, हर ज्यादा नहीं मधुबन है मतलब हर ज्यादा से ज्यादा 2000 के बाद तो मिनी मधुबन में कुछ दिन में 1-2 साल रह के सीख के शरण रोल आता है तो बाबा ने मुरली में बताया है सबसे ज्यादा अच्छा है तुरंत दान।
माँ कल्याण बाबा कहते हैं अगर सोच विचार के आएंगे, देखभाल के आएंगे, तो बाबा भी बरसा सोच विचार के देंगे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बाबा जनरल कैस्ट जो है ना अपना देखिए गरीब मारने वालों को हम सुना देते हैं थोड़ा उनकी बात है जनरल कैस्ट जो अपने अपने गरीब मारने वालों को थोड़ा उनकी बात करते हैं। हाँ जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको जनरल कैस्ट सुना हाँ जी अगर वो सुनते हैं तो उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ जाएगा सीधा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे दक्षिण भारत में बहुत निकले जो डायरेक्ट कैसे भी सुन करके निकले और बहुत तेजी से अच्छे चले। बाबा अभी जो आत्मा में परम धाम जा रही है वो जन्म कहाँ लेती है? यही इसी दुनिया में जन्म लेती है और कहाँ नहीं है? ये कोई जरूरी नहीं गरीब वाला, जो पहली आत्मा आएगी वो तो अच्छा ही जन्म लेगी, खराब जन्म लेगी? सात्विक आत्मा आती है या तमो प्रधान आती है? तमो प्रधान आत्मा सत्य धाम से आती है। पहले जन्म तो अच्छा ही होगा, पहले जन्म तो अच्छा ही होगा, पहले जन्म में सबकी सदगति है। और एक रिपोर्टर होते हैं वो घड़ी घड़ी एक एक सेकंड का समाचार देते रहते हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और एक होते हैं कंप्लेंट करने वाले, उनको कोई प्रकार के दुख हो गया, तकलीफ हो गई, किसी से परेशानी है, कोई उनको दुख दे रहा है तो कंप्लेंट करते हैं, चलो भाई पुलिस में रिपोर्ट करके आओ, तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है। चलो हो गया, जम्मू एक घंटे से आगे नहीं जाता है।